तो मैं कॉम जा रहा हूँ, आज पहली बार मैं लोकल बस लेने जा रहा हूँ ईरान में। यहाँ मेरी होस्ट, उनके मेरे को जाना है, एड्रेस नहीं पता है। ख्याल रहती कि अच्छा है। इनके फादर कश्मीर से हैं। आई बिजनेस वुमन। या बिजनेस वुमन। तो ये ईरानी चाय इन्होंने अभी मेरे को दिया है, ये आलू ये दाल है, बहुत अच्छा है। लंच वगैरह हो गया था, इन्होंने लंच मेरे को बहुत ज्यादा कराया, बहुत बहुत ज्यादा कराया। उसके बाद मैं सो गया था यहाँ पे, अभी शाम को उठा हूँ। दिल्ली को कश्मीर मुंबई, बहुत बड़ा ये तो। जैसे लद्दाख में है, इंडिया लद्दाख लेह में। हाँ। इस वक्त क्या है, बहुत ठंड है। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। मेरा नाम है तुर्वशु और अभी मैं हूँ ईरान की कैपिटल तेहरान में। और आज मैं निकला हूँ तेहरान से अगली सिटी जाने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी सिम कार्ड की वजह से। तो मेरी आइटनरी स्टार्टिंग की 4-5 दिन की काफ़ी चेंज हो चुकी है, तो अपनी आइटनरी में सही करने के लिए मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ। फुली 3-4-5 दिन में सब कुछ सही हो जाएगा। अभी थोड़ा आगे पीछे हो चुका है काफ़ी कुछ, तो अभी मैं साउथ की तरफ जा रहा हूँ। अगर आप ईरान का मैप देखोगे तो तेहरान जो है वो नॉर्थ में लोकेटेड है, और पूरे तेहरान में 4 या 5 बस टर्मिनल है जो कि अलग अलग डायरेक्शन के लिए, जहाँ से बस मिलती है। अगर आपको साउथ में जाना है तो आपको साउथ टर्मिनल जाना पड़ेगा, वैसे ही अगर आपको वेस्ट में जाना है तो वेस्ट टर्मिनल, कुछ वैसा समझ सकते हो कि हर डायरेक्शन के लिए उस टर्मिनल आपको जाना पड़ेगा। तो तेहरान के साउथ में एक सिटी है जिसका नाम है कौम, लगभग 150 किलोमीटर है, 2 घंटे लगेंगे। तो मैं कौम जा रहा हूँ, क्योंकि कौम सिटी जो है वो साउथ में है, तो मेरे को साउथ टर्मिनल जाना पड़ेगा। तो अभी मैं वॉक करके नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जा रहा हूँ। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं अपने होस्ट से घर से निकल चुका हूँ, फिर वहाँ से देखते हैं बस का क्या हिसाब किताब है, मेरे को कोई आइडिया नहीं, वहाँ जाके पता चलेगा। आज पहली बार मैं लोकल बस लेने जा रहा हूँ ईरान में, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। मेरी होस्ट थी, थोड़ा नींद में थी तो मैं कुछ रिकॉर्ड किया नहीं, जैसे बाय वगैरह बोल के निकल लिया हूँ। ऑलमोस्ट सारी शॉप्स बंद है, पता नहीं कब खुलेंगी, शायद 11-12 तक खुलती होंगी, ऐसा कुछ लग रहा है यहाँ पे। जैसा कि मैंने आप लोगों को ईरान के पहले वीडियो में बताया था कि ईरान एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है, शिया मुस्लिम मेजॉरिटी, और पूरे ईरान में 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन शिया मुस्लिम्स की है। तो पूरे ईरान में कई सारे रिलीजियस साइट्स हैं और उनमें से बहुत सारे साइट्स काफ़ी होली हैं शियास के लिए। तो जो कौम है ना, इसको पूरे ईरान का सेकेंड मोस्ट होली सिटी बोलते हैं। ईरान की जो मोस्ट होली सिटी है वो है मशहद, जो कि नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। मोस्टली लोग वहाँ बहुत जाते हैं मशहद में, लेकिन मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, ईरान ट्रिप के बीच में या एंड में मैं मशहद जाऊँगा। खैर, अभी मैं सेकेंड होली सिटी जा रहा हूँ कौम, और कौम को ईरान का रिलीजियस कैपिटल भी बोलते हैं। देख सकते हो भाई, मेन रोड पे आते ही कार ही कार, हर जगह सिर्फ कार और कुछ नहीं। मेरे को यहाँ रोड क्रॉस करनी है और बहुत ही मुश्किल है यहाँ रोड क्रॉस करना। यहाँ पर मेरे को लगता है तेहरान में जितने लोग नहीं, उस तरह से यहाँ पे कार है। तेहरान इज़ वन ऑफ द मोस्ट कार डिपेंडेंट सिटीज़ इन द वर्ल्ड। और मैं मेट्रो स्टेशन पहुँच चुका हूँ, नॉट श्योर अंदर रिकॉर्ड कर पाऊँ ना कर पाऊँ, आप लोगों को फिर मेट्रो के बाहर निकल के मिलता हूँ साउथ टर्मिनल के पास। 20,000 रियाल की मेट्रो लेके मैं साउथ बस टर्मिनल के पास में आ चुका हूँ। तो यहीं के आसपास बस टर्मिनल यार, लेकिन समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली है कहाँ पे, कोई से पूछना ही पड़ेगा। साउथ टर्मिनल 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 मेट्रो नहीं, मेट्रो मेट्रो ना, बस ऑटोबस 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 और उंजा हम ये मुस्तकीम और मुस्तकीम बस कौन अरे मुस्तकीम और उंजा ये बार ये टेपोर्स टेपोर्स मंगलून। तो सही डायरेक्शन पे ही जा रहे हैं, थोड़ा आगे चल कर ही है। चंद तो माने साउथ टर्मिनल के पास से मैंने ये फलाफल रोल लिया है, सिर्फ 1,20,000 रियाल का, लगभग 30 रुपए के आसपास होएंगे, और काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी है इसकी, बहुत ही सस्ता यहाँ पर खाना है ईरान में। मेरे को यही साउथ बस टर्मिनल लग रहा है, देख सकते हो बहुत सारी बसेस हैं यहाँ पे, इतनी बसेस है कि मैं गिन भी नहीं सकता हूँ। कॉम कॉम ओमर बस फॉर कॉम सुबह सर बस ऑटोबस हां सुबह ये नफरी डच एक अरबी हां हां हैंड मशीन आप बात है सर ओके मुजाल ओके
तो यार ये है तेहरान का साउथ बस टर्मिनल, क्योंकि तेहरान ईरान के नॉर्थ में पड़ता है, तो साउथ में बहुत सारी लोकेशंस है, बहुत सारी जगह है, कई सारे सिटीज है जहाँ के लिए यहाँ से बस जाती हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत सारी बसेस हैं। बहुत ही बड़ा स्टेशन है, देख सकते हो। अब बस कौन सी है समझ नहीं आ रहा, कोई तो पूछना ही पड़ेगा, हर बार पूछना पड़ रहा, लेकिन लोग अच्छे है, हेल्प कर दे रहे हैं। यार बस ये है, यार देख सकते हो काफी सही बस है यार, ये तो बहुत ही नई टाइप की बस है, और शायद इसको वीआईपी बस बोलते हैं। एक्चुअली यहाँ दो बस चलती है, एक ऑर्डिनरी एक वीआईपी। काफी स्पेसियस है, रिक्लाइनिंग सीट है, टीवी वगैरह सब लगी हुई है, शायद ये एयर कंडीशन भी होती है, अभी ठंड का टाइम है तो जरूरत नहीं है। फेयर वगैरह क्या मेरे को नहीं पता है, कोई लेने आएगा तो पता चलेगा, आपको बताऊंगा फिर मैं। बट वाकई बस बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब है। तेहरान और कोम के बीच में लोग काफी ज्यादा ट्रेवल करते हैं, तो बहुत ही फ्रीक्वेंट रूट है ये, तो हर 15 मिनट पे एक बस निकलती है तेहरान से कौम के लिए, सेम वही कौम से वापस तेहरान के लिए भी। बस से कौम में पहुंच गया हूं और आधी से ज्यादा बस खाली है, नीचे उतर के बताता हूं मैं पूरी बात। यहाँ मेरी होस्ट है, उनके मेरे को जाना है, एड्रेस नहीं पता है, पहले मैं एड्रेस पूछ लेता हूँ, फिर टैक्सी या जो होता है देखता हूँ। तो काफ़ी सही जगह लग रही है यार ये तो, देखो काफ़ी ब्रॉड रोड है, फ्लाईओवर है, ईरान का फ्लैग लगा हुआ है, काफ़ी सारी टैक्सीज है यहाँ पे। तो यार यहाँ पे बस उतरते ही काफ़ी सारे टैक्सी वाले आके घेर लिए थे, तो मेरी होस्ट है बोल रही है कोई टैक्सी मत लो, यहाँ पे एक स्नैप एप्लीकेशन है उसके थ्रू टैक्सी ले लो, जैसे हमारे इंडिया में ओला या उबर होता है, वैसे ही ईरान में ओला उबर का जो वर्जन है उसका नाम है स्नैप। तो मैंने अभी स्नैप से टैक्सी ऑर्डर किया है, देखता हूँ कितनी देर में आती है, फिर आपको डिटेल देता हूँ। यहाँ पे शोर शराबा बहुत ज़्यादा है। टैक्सी या स्नैप, इनको अपने होस्ट से बात कर लेता हूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं रवि आशीष मुस्लिम बालूच। आपने अभी बस देखा तेहरान से कौम की, लगभग 150 किलोमीटर थे, 2 घंटे लगे पहुँचने में। ईरान के हाईवे वाकई लाजवाब है, लग रहा है शायद 2 घंटे से भी कम टाइम में इसने कौम मेरे को पहुंचा दिया है। और इसका जो फेयर था ना, सिर्फ 30,000 तोमान रुपए में हो गए, सिर्फ 80 रुपए, यानी 80 रुपए में मैं तेहरान से कौम पहुंच चुका हूं लग्जरी बस से, वो भी बहुत सस्ता है यहां पे ट्रांसपोर्टेशन। बस ने मेरे को सिटी सेंटर पे उतार दिया था कौम के, यहां से मेरे जो होस्ट का घर है लगभग 8 से 10 किलोमीटर दिखा रहा है, फिर मैंने वही इंटरनेट टैक्सी ऑर्डर कर दी थी, तो इसके लग रहा है सिर्फ 40 रुपए। तो ईरान में वाकई सब कुछ बहुत ही ज्यादा सस्ता पड़ रहा है मेरे को। दूरबीन वाले फारसी लैंग्वेज में कैमरा को दूरबीन बोलते हैं, यहाँ जो भी मेरे को देख रहा है दूरबीन बाले 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 मींस यस हैंड हैंड बाले होम होम नो स्पीक फारसी ना हिंदी इंग्लिश फारसी इंग्लिश फारसी दारी दारी ओ अफगानिस्तान अफगानिस्तान दारी दारी पश्तून दारी पश्तून फारसी सेम सेम पाकिस्तान पहन स्पीक हमजा बोल या या पाकिस्तान उर्दू इंडिया हिंद सेम सेम बांग्लादेश नेपाल भूटान सिनेमा गांधी सिनेमा अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन आमिर खान शाहरुख खान शाहरुख खान श्रीदेवी आशीबारी मिश्रासी आशीबारी ऐश्वरी ऐश्वरी ऐश्वर्या ममता ममता फजगरा कादीम फिल्म में से शोले कानून 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 विजय विजय। ईरान में शोले बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों कि यंग जनरेशन के लोग भी शोले जानते हैं, ओल्ड जनरेशन के लोग भी जानते हैं। शोले ईरानियों दूसरा है शोले ईरान शोला इंग्लैंड गब्बर सिंह खेली खूब नाम इब्राहिम फारसी में भी नाम को नाम ही बोलते हैं, काफी वर्ड सिमिलर है हिंदी और फारसी में। जा मेहमान फामिलासी मेहमान दोस्त हमारे यहाँ भी मेहमान यहाँ भी मेहमान हमारे यहाँ भी दोस्त यहाँ भी दोस्त
काफी वर्ड सिमिलर है। महल्ले अफगानिया افغانی صحبت میکنه افغانی ببین ببین افغانی افغانی همه افغانی موس کابل 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 موس مسجد مسجد افغانی مسجد این منطقه افغانی بله همگی این مسجد کابل مسجد کابل کابل دهلی سرد هوا دهلی دهلی سرد هوا هوا سرد 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 بله سرد قوم جو شہر ہے بہت زیادہ بڑا شہر نہیں ہے کمپیئرڈ ٹو تہران تہران جہاں جس کی پاپولیشن تھی لگ بھگ 90 لاکھ قوم کی پاپولیشن لگ بھگ 13 لاکھ تو کمپیئر ٹو تہران کافی چھوٹا شہر ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کافی سارے بلڈنگس ہیں جو ابھی بھی بن رہی ہیں یہاں پہ انڈر کنسٹرکشن ہے شہر پوری طریقے سے ابھی تیار بھی نہیں ہوا ہے بہت ساری جگہ خالی پڑی ہوئی شہر کے اندر بھی کچھ پرانے گھر ہیں نئی گھر نئی بلڈنگس کافی یہاں بن رہی ہیں تو جیسا میں نے آپ لوگوں کو اسٹارٹنگ بتایا تھا یہ سیکنڈ موسٹ پولیس سٹی ہے ایران میں اور پورے ایران کا اس کو سب سے کنزرویٹو سٹی بولا جاتا ہے مانا جاتا ہے اور اس کو ریلیجیس کیپٹل بھی بولتے ہیں یہاں پہ جو ریلیجیس سائٹس ہیں اس کو ہم لوگ یا تو آج شام کو یا کل مارننگ میں اس کو ایکسپلور کرنے والے ہیں اوکے کھیلی ممنون قوم میں میں اپنے ہوسٹ کی لوکیلٹی میں پہنچ گیا ہوں کافی صحیح لوکیلٹی دیکھ سکتے ہو آپ کالونی ٹائپ کی ہے اور آس پاس کئی سارے یہاں پر اپارٹمنٹس ہیں شاید میری ہوسٹ اس اپارٹمنٹ میں رہتی ہیں ابھی میرے کو لینے آئیں گی کیمرہ اوکے ہیں یور ڈاٹر نیفیو اوکے تو یار میں اپنے ہوسٹ کے گھر پہنچ گیا ہوں اور ان کا گھر ہے ممنون تو یہ ایرانی چائے انہوں نے ابھی میرے کو دیا ہے اور یہ ڈرائی فروٹس ہے آپ دیکھ سکتے ہو کافی بیوٹیفل یہاں یہ کارپیٹ بچھی ہوئی ہے ایرانی کارپیٹ میرے ہوسٹ نے میرے کو پہلے بولا تھا کہ ان کے گھر میں کچھ بچے ہیں تو میں ان کے لیے کچھ یہ چاکلیٹ لے کے آیا ہوا تھا تہران سے ان کو دے دیتا ہوں ویلکم لیمن ڈرنک ملک انہوں نے میرے کو بھی یہ لنچ سرو کیا ہے یہ رائس ہے رائس پلاؤ جو بھی آپ بولیے ساتھ میں یہ فرینچ فرائز ہے دال ہے یہ ایک پلانٹ یعنی بیگن ہے کرڈ ہے کافی سارے سیلڈس ہیں یہ کچھ لیمن ڈرنک ہے یہ ڈریسنگ ہے اتنا سامان لے سکتے ہو آپ کھانے کے لیے یہ آلو یہ دال ہے بہت اچھا ہے بہت مزہ ہے تو گائز یہ میری ہوسٹ ہے زہرا تو انہوں نے یہ لنچ سرو کیا میں نے لنچ آپ لوگوں کو دکھا دیا ہے بہت ہی ٹیسٹی لنچ ہے کھیلی کو تھینک یو ویری ٹیسٹی لنچ تھینک یو سو مچ ممنون ہے گائز ویری گڈ ایوننگ شام ہو چکی ہے یہ میری ہوسٹ ہیں زہرا اور یہ ان کی نیز ہیں حادث سے تو لنچ وغیرہ ہو گیا تھا انہوں نے لنچ میرے کو بہت زیادہ کرایا بہت زیادہ کرایا اس کے بعد میں سو گیا تھا یہاں پہ ابھی شام کو اٹھاؤں تو ان کے بارے میں میرے کو آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتانا ہے ایکچولی میں یہاں پہ خود سے نہیں آیا انہوں نے میرے کو انوائٹ کیا یہاں پہ آنے کے لیے ان کے فادر کشمیر سے ہیں اور 60 سال پہلے ان کے فادر ایران آئے تھے انڈیا سے ان 1960 ہاں تو تب سے ان لوگ قوم ایران میں رہ رہے ہیں ان کی دو سسٹر ہیں جو ابھی کشمیر پہ رہتی ہیں اور یہ بین ٹو انڈیا 9 ٹائمس تو یہ 9 بار انڈیا جا چکی ہے ان کا کچھ فوریکس ایکسچینج کا کام ہے بزنس ہے تو اس کے سلسلے میں یہ 9 بار انڈیا جا چکی ہے ان کو ٹھیک ٹھاک تھوڑی بہت ہندی اردو بھی آتی ہے اتنی فلوئنٹ نہیں لیکن آتی ہے تو یہی تھا بہت اچھا یہاں پہ ایکسپیرئنس میرے کو مل رہا ہے انہوں نے میرے کو انوائٹ کیا کہ آپ یہاں پہ آ جائیے میرے کو بہت اچھا لگے گا آپ انڈیا سے ہو اینڈ دہلی مینی ٹائم دہلی آگرہ ہاں مینی ٹائم
दिल्ली को कश्मीर मुंबई नेक्स्ट मंथ वी गोइंग टू इंडिया तो अगले महीने ये फिर से ये इंडिया जा रही हैं 10वीं बार जा रही हैं आई बिजनेस वुमन या बिजनेस वुमन देखो ये चीज़ देखो आई लाइक ट्रैवल A little. I speak in Hindi a little. You speak Hindi? Speak Hindi, yeah? Hindi, Hindi. Pyar hai, theek hai. Achha hai. Idher jao. Bahut achha hai. Main balad nahi sab. Maaf karo. तो इनके फादर ईरान आए थे तो ये बॉर्न यही कॉम में हुई तो उनकी ऑब्वियस बात इतनी अच्छी तो हिंदी होगी नहीं योर बोथ सिस्टर मैरिड इन कश्मीर बहुत ज्यादा रिकॉर्डिंग में कर नहीं पाऊंगा शायद अभी मेरे को कहीं लेके जाएंगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा फिर थैंक यू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई स्पीक इन हिंदी अंडरस्टैंड तो मैं जो बोलता हूँ समझ जाती है हिंदी बट बोल नहीं पाती है समझ सकते कुछ ऐसा है ओके ओके सो गाइस अभी हम लोग कहीं पे आए हुए हैं जगह का नाम क्या ओके तो ये ज़हरा की सिस्टर है जो कि कश्मीर में रहती हैं अभी कुछ टाइम से ईरान में ही हैं तो हम लोग सब लोग यहाँ साथ में आए हुए हैं इनसे भी मेरी काफ़ी बातें हुई हैं तो यहाँ से पूरे कॉम सिटी का व्यू आ रहा है जो बहुत ही खूबसूरत बहुत ब्यूटीफुल आप लोग देख सकते हो बहुत अच्छा बहुत खूबसूरत व्यू है यहाँ से और ये क्या है ये स्ट्रक्चर ये मज़ा अस्तान में है जैसे मस्जिद अभी बन रहा है मगर आस्तान है अच्छा वहाँ आदमी दफन है आदमी दफन है जी अच्छा ये पूरा बन चुका भी ना, बन रहा। नहीं आ जा ईरानियन रेवोल्यूशन के तुरंत बाद 1980 से लेकर 1988 तक ऑलमोस्ट 8 साल तक ईरान और इराक के बीच में वॉर हुआ था उस टाइम पे जो कौम के रहने वाले जो ईरान इराक वॉर में जिन्होंने पार्ट लिया था और जिन्होंने अपनी जान गंवा दी थी तो उनको यहाँ पे दफनाया गया है उनके मेमोरीज में यहाँ पे उनके लिए मेमोरियल ये बनाया गया है तो आप देख सकते हो ये वो मेमोरियल है जिन्होंने इराक ईरान वॉर अपनी जान गंवा दी थी जो शहीद हो गए थे क्योंकि अभी हम लोग काफी हाइट में है छोटे से माउंटेन में है तो कॉम सिटी के दूर दूर तक पूरे यहाँ से व्यू आ रहा है बहुत ही छोटा सा वहाँ पर एक दो मीनार दिख रहे हैं आप लोगों को शायद आपको दिख रहा होगा दो मीनार एक और दो वो जमकरन मॉस्क है ये कॉम के आउटस्कर्ट्स में पड़ता है लगभग 7 से 8 किलोमीटर है तो अब हम लोग वहाँ जा रहे हैं जमकरन मॉस्क कैमरे में उतना क्लियर नहीं आ रहा है लेकिन रियल में समझ में आ रहा है जमकरन मस्जिद तो गाइस अभी हम लोग जमकरन मॉस्क के कैंपस के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर लेडीज़ को बिना चौदार के इसको चौदार बोलते हैं चौदार तो बिना चौदार के अंदर एंट्रेंस अलाउड नहीं है क्या नाम है इनका माइदे जी सलाम रुको सलाम बहुत बड़ा है ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है मशहद गया ना ना मशहद इतना बड़ा मशहद का हाँ मशहद का तो पूरे ईरान सबसे बड़ा है सबसे बड़ा उधर मशहद जाऊंगा मैं जैसे ऐसे है जैसे 10 है इसका 10 times ज्यादा 10 गुना बड़ा है ओह माय गॉड बहुत ज्यादा है इस वक्त बहुत सर्दी सर्दी बहुत हाँ ठंड हो गया काफी जैसे लद्दाख में है इंडिया लद्दाख लेह में इस वक्त क्या है बहुत ठंड है वहाँ तो माइनस होगा अभी माइनस में होगा मैं क्या तो अच्छा है गैस है सब कुछ है गर्मी को सब कुछ इंतजाम है तो गाइस हम लोग अभी जमकरन मॉस्क में आए हुए हैं ये कॉम के पास एक छोटे से विलेज में लोकेटेड है जिसका नाम है जमकरन इस विलेज की पॉपुलेशन अराउंड 10,000 है और ये जो जमकरन मॉस्क है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है शिया मुस्लिम्स के लिए और इस मॉस्क की हिस्ट्री 1,000 years से भी ज़्यादा पुरानी है लगभग 1,000 साल पुराना मॉस्क है और इस्लामिक रेवोल्यूशन यानी ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद इसको काफ़ी ज़्यादा बड़ा किया गया है इसको डेवलप किया गया है शिया मुस्लिम्स में टोटल 12 इमाम्स हैं और ये जमकरन मॉस्क जो है
ट्वेल्थ इमाम को डेडिकेटेड है। ऐसा माना जाता है कि ट्वेल्थ इमाम इस जगह पे खुद यहाँ के लोकल लोग और लोकल लीडर्स से मिले थे। उन्होंने फिर उन लोगों को बोला था यहाँ कि यहाँ पर मॉस्क बनाइए, तो एग्जैक्टली उस स्पॉट पे यहाँ पर मॉस्क बनाया गया है। तो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बड़ा इसका कॉम्प्लेक्स है और काफ़ी सारे गेट्स हैं यहाँ पे, एक गेट, दो गेट, तीन गेट और भी छोटे छोटे और भी काफ़ी सारे गेट्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पर ऐसा भी माना जाता है कि होली इमाम मॉस्क को खुद विजिट करते हैं एवरी ट्यूसडे। तो इस मॉस्क में अगर आप ट्यूसडे को आओगे तो पूरा मॉस्क लोगों से भरा रहता है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है ट्यूसडे को, क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं कि ट्यूसडे को इमाम खुद यहाँ पे आते हैं और उस दिन वहाँ पर इन लोग अगर आएंगे और विश मांगेंगे तो विश पूरी होगी। तो ट्यूसडे को स्पेशल दिन होता है, आज सैटरडे तो उतना रश नहीं है। सो गाइस हम लोग घर पे वापस आ चुके हैं और रात के अभी 11 बज चुके हैं, काफ़ा लेट हो चुका है। तो ये मेरी होस्ट के लड़के हैं रेजा, तो हम लोग इनके आने का वेट कर रहे थे तो डिनर के लिए, तो डिनर हम लोग को लग चुका है। व्हाट्स योर नेम? ओलिविया। तो ओलिविया है, ये ब्रेड है और सैलड साथ में, ये एक्चुअली बना है पोटैटो कुकुम्बर एग टोमेटो ओके और कुछ सैलड्स वगैरह से पड़े हुए, कुछ ऐसे बना हुआ है, ट्रेडिशनल ईरानियन फूड है। इसको करते फिर आज नहीं खत्म करते, फिर आप लोगों से मैं कल मिलूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, खेली ममनून।